कुआखिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस सम्मुखें आज उपभोक्ता कमिटी इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता कमिटी तरफ आज दि जाएगी धारणा दि जाएगी विभिन्न दाबी रही जो दाबी सी आज धारणा बस चपर्यंत दाबी डिविजन तरफ प्रतिश्रुति न दि जाएगी कि दाबी उठापी कौन प्रकार प्रतिश्रुति जब से नपाई से पर्यंत से धारणा बसवे जहाँ आज जो धारणा बसी संगठन संपादक कहतु कि हेल्पिंग हैंड सदस्य माने आउ जे बहुत जय श्री राम अच्छा सदस्य माने आउ किछि कंज्यूमर भी अच्छा जो माने कि आज धारणा बस धारणा बसला आम सीधासल जा कमिटर जी सभापति अच्छा मंटू बाबू पाखक जावा सीधासल जा पचार आज जो धारणा बस कहीं धारणा बस देखु आमर विशेष भाव जेहेतु उपभोक्ता सब विद्युत होमर गोटे अपरिहार्य अंग एवं विद्युत अघोषित विद्युत काट घन घन हबार लगी लोक मान कौन प्रकार सूचना दि जाऊन जहाँफल लोक मैंने आर्थिक मानसिक शारीरिक जंत्रणा पाँच किंतु मोर गोटे क्वेश्चन होते विद्युत से मैंने अघोषित काटुचन लोक मानक आर्थिक मानसिक शारीरिक जंत्रणा देते आम पैसा छाड़ हो कि समकक्ष से पैसा छाड़ करूना तेणु ये गोटे शोषण द्वितीय कथा हूँ विद्युत दर वृद्धि जितेबाला टाटा कंपनी आम अंचल को आसी ओईआरसी सांगे सांगे 50 पैसा बढ़े सेते से भल सर्विस नद 50 पैसा एक्स्ट्रा नहीं चली ये गोटे शोषण नुहे कि ये दुई शोषण को आम विरोध करुचु तापर आ गोटे लो वोल्टेज समस्या तापर जो विद्युत आईनगत कार्यानुष्ठान अच्छे प्रचार अपप्रचार कि अपव्यवहार रोक विद्युत व्यवहार केमी हम से विषय लोक जना जाऊ रिविजन हम के जना जाऊ अतए लोक मानक गोटे अंधा कानून देखा जा तो कह आज्ञा स्वाधीन भारत में पराधीन उपभोक्ता यदि गोटे उपभोक्ता जाऊँ ऑफिस को इपरी भाव व्यवहार करे कह आज्ञा मुझे जिमिने जेल जिम पचक किंतु विद्युत कार्यालय जिमिने यही भाव में ट्रीटमेंट करार विरोध में आज सातटी ऑर्गेनाइजेशन आसी मिशिंट आज आसी कोविड कटक को नहीं आम तीस जन आसीलु आगामी दिन में 4000-5000 उपभोक्ता कमिटी आसव ये पूरापूरी जाजपुर जिलार समस्त कार्यालय धारणा दिजाव अचल कर दिजाव जदि आम दाबी पूरण न हुए जहाँ कहते स्वाधीन भारत में पराधीन उपभोक्ता यटाक आप कमी देखुं वर्तमान पराधीन जो जो मंटू बाबू कहले पराधीन उपभोक्ता निश्चिंत भाव में मंटू भाई की समर्थन करी क्या जमी कंपानी शोषण नीति चली आगर चली आ तो से शोषण नीति को आमको विरोध करवाक पड़ो आ सहित विद्युत सचेतनता जो रही सचेतन केमी विद्युत गाइडलाइन कौन रही विद्युत आमको से विषय लोक मान अवगत कराइक पड़ो आमको सचेतन कर दुर्नीति गोटे प्रश्न गवर्नमेंट अफ ओडिशा जिते डिपार्टमेंट को संभाला सेते जी उपभोक्ता मैंने जी सुविधा पाते समस्त भाई टाटा कंपानी आसला मानने सर्विसटा टे भल रही जहाँ जमापड़ी बर्तमान पर्यटन टाटा कंपानी किसी सर्विसटा भल रही से नहीं कि आप बसुँचे देखो टाटार फाउंडर कौन रतन टाटा कौन ये देश के लिए मेरे जान है किंतु ये देखा टाटा कंपानी जो थेम अच्छी आभिमुख्य अच्छी आप देखुना दिनकु 17 घंटा 18 घंटा पावर कट जितने लोक मैंने शोषण कर आर्थिक मानसिक शारीरिक पैसा नि जाऊँगी लेट पेमेंट होते आपको फाइन पड़ू सबू कतरे लोक खाली कंज्यूमर ही सफर हम किंतु जो रही टाटा कंपानी कौन से प्रकार सफर हेनी जो आसी TPNODL टीपी टाटा पावर नॉर्थ ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ये कौन सफर हेनी केवल ये मुझे कहल स्वाधीन भारत में पराधीन उपभोक्ता केवल तुम्हें ही मानने पीड़ित हम जंत्रित हम आम तुम कौन शोषी चलू यही नीति आपणई कड़ा विरोध करपर्यंत ये आदर्श वाकर पद्धति प्रत्याहर करना से पर्यंत 5000-10000 उपभोक्ता एकत्रित हो एससी ऑफिस एग्जीक्यूटिव ऑफिस एसडीओ ऑफिस सब ऑफिस रे एपरि भाव में अचल कर दिया जिवो कार्यालय को जहाँ कहते स्वाधीन भारत में पराधीन उपभोक्ता वर्तमान मो गहन अच्छा जन उपभोक्ता अच्छा आम सीधा सड़क जावा आप देखुं वर्तमान टाटा आसला लोकंर गोटे मानसिकता थी वर्तमान से ठीक भाव में विद्युत सेवा पाए बोली वर्तमान जो भाई भाव में आपण मैंने धारणा बस जमापड़ी जो ये कंपानी किसी टालटुल नीति रही मु मंटू बाबू जहाँ कहले से बिल्कुल निराट सत्य कथा कहले विद्युत काट बहुत चली जा विद्युत काट हो दर वृद्धि ता सहित अन्य इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये सब मिसिकी आहरी आम को ओजन ये पैसा देवाक पड़ी जहाद्वारा जो मैंने कंज्यूमर अच्छा बहुत माने ये वर्तमान लॉकडाउन समय रे जो अवस्था रे से माने पेमेंट करछंती सा बड़ो कष्टकर कथा से माने माने
ଇଭେନ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଚାଲିଯାଇଛି, ଚାକିରି ବାକିରି ବିଜନେସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହେଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଇସା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିଟର ସହିତ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଗରୁ ଯେମିତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଫଳପ୍ରଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଇଏ ହେବ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଧରଣର ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ସିଓର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ, ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟଶ୍ରୀରାମ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଲା ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଠିକ୍ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯଦି ଏହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।